दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वांडर का। तो लोकसभा का इलेक्शन हमारा 2024 में शुरू होने वाला है और पक्ष और विपक्ष के बीच में लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है, जिसमें हम हर एक महत्वपूर्ण मुद्दों को यहां पर डिस्कस करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हाल ही में 26 पार्टियों की मीटिंग बेंगलुरु में हुई, जिसमें कांग्रेस समेत अलग अलग पार्टियां एक पास इकट्ठा हुई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये 26 पार्टियां आने वाले चुनाव में INDIA नाम के गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसका एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि 2024 में किसी भी हाल में NDA की सरकार को ना आने देना। तो कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी के साथ ये नाम चूज किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि INDIA मतलब इंडिया, जो कि हमारे कंट्री का नेम है और ये नेम से लोग बहुत ही जुड़े हुए हैं। तो यदि इस नेम का यूज कोई अपने पार्टी के लिए करता है तो ऑटोमेटिक जो लोग इस नाम से जुड़े हुए हैं उनकी सहानुभूति उस पार्टी की तरफ चली जाएगी, ऐसा मैक्सिमम केसेस में देखा गया है। वहीं कांग्रेस ने INDIA का मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बताया है, जबकि शरद पवार साहब जो इस मीटिंग के एक मुख्य हिस्सा रहे थे उन्होंने INDIA का मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस बताया है। दोस्तों विपक्ष कहाँ पीछे हटने वाला था, विपक्ष से हमारे असम के CM हेमंत बिस्वा जी ने कहा कि हमारा संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है और इंडियन नाम जो है वो अंग्रेजों ने दिया है, कांग्रेस इस नाम को रियल मान लिए और उन्होंने इस नाम को अपना लिया, जबकि हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई की थी और हम हमेशा भारत के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। बीजेपी यहाँ भी शांत नहीं रही, बीजेपी ने इंडिया का फुल फॉर्म अपने तरीके में अलग बताया। बीजेपी के माने तो INDIA का मतलब इमोरल नेपोटिज्म डिसऑनेस्ट इनकैपेबल अलायंस है। अब ये तो समय बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, पर उससे पहले हमें बहुत ही ऐसी ऐसी अपडेट मिलते रहेंगे, क्योंकि अब सिर्फ पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई हमारी कांग्रेस की INDIA वाली इंडिया वर्सेस बीजेपी की भारत की है और देखना ये होगा कि कौन जीतता है 2024 में। पर यहाँ पे एक पॉइंट है, इस चुनावी खेल में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब हमें इनके बातों में ये आकर ये नहीं सोचना है कि इंडिया अलग है भारत अलग है, क्योंकि ये लोग अब मिसकंसेप्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साफ साफ आर्टिकल 1 में ही कह दिया है कि इंडिया और भारत एक है, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इंडिया और भारत में डिफ्रेंसेज है या फिर इंडिया और भारत एक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इंडिया नाम किसने दिया, कहाँ से आया, भारत नाम किसने दिया, कहाँ से आया, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो और बेटर मेरा कंटेंट होते जाएगा।